नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 20 साल पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान को हुई 5 साल की सजा और अन्य फिल्मी सितारों को मिली राहत। सलमान को धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस से है खतरा, जोधपुर जेल में हैं दोनों बंदी। चोरी के माल के साथ दबोचे शातिर, 7 LCD और 7 मोबाइल सहित 2 बाइक की जब्त। अलवर सदर थाना पुलिस की है कार्यवाही। और अलवर में पानी की समस्या पर किया जाम, महिलाओं ने फोड़े मटके, सड़क पर दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर की CJM ग्रामीण कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया है। सलमान को 5 साल की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं उनके साथ के अन्य कलाकारों सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सलमान खान के दोषी करार होने के कारण बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। बताया जाता है कि इस समय फिल्म इंडस्ट्री का हजारों करोड़ रुपया सलमान के नाम पर लगा है। जोधपुर के कांकाड़ी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार के 20 साल पुराने केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल के कैद की सजा सुनाई है। जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कैद की सजा के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा गया है, जहां पहले से ही आसाराम कैद में है। मामला 1998 का है, जब सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे। शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। आरोप है कि साल 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग अलग इलाकों में काले हिरणों का शिकार किया था। आज जिस मामले में फैसला आया है वो कांकाड़ी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार का है। सलमान की जमानत पर जोधपुर सेशन कोर्ट कल सुनवाई करेगी। अब सलमान को आज जेल में ही रात गुजारनी होगी। सलमान को जेल में भेजने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। वहीं अदालत के बाहर हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे। इस दौरान सलमान के वकील ने बताया कि कल सुबह सलमान की जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी। अपील फाइल करनी होगी और अपील में अपना सेंटेंस सस्पेंड करवा के न्यायालय के सामने उस एक महीने के पीरियड के अंदर पेश कोर्ट ने सलमान अगर 3 साल से ज्यादा हुई तो और अगर 3 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो यहाँ से बेल नहीं मिलेगी। देन ही विल हैव टू फाइल एन अपील बिफोर द सेशंस कोर्ट अलोंग विद द उसमें कितना टाइम लगेगा। उधर सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकील ने बताया कि अपेक्षा के अनुरूप फैसला आया है, इससे समाज में न्याय के प्रति विश्वास का मैसेज आएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल जाएगा। जिस तरह से कोई भी अपराधी किसी को सजा से दंडित किया जाता है उस सजा का भुगतने के लिए जो सेंट्रल जेल होती तो है, निश्चित तौर पे ये नहीं कचा रहे थे। हमने जो कानूनन रूप से जो सही था वो न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उनमें विश्वास था हमें और उसके तहत ही ये जो निर्णय दिया गया है उनका पूर्ण रूप से हम आदर करते हैं और ये निश्चित तौर मान रहे थे। हमें इस तरह की पूर्ण उम्मीद थी कि इस तरह से फैसला आएगा। गौरतलब है कि 20 वर्ष पूर्व 1 और 2 अक्टूबर की रात को सलमान खान और उनके सहयोगी फिल्मी सितारों द्वारा जोधपुर के 3 जगहों पर अलग अलग काले हिरणों का शिकार किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट सहित 4 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 में सलमान बरी हो चुके हैं। यह चौथा और अंतिम मामला था जिसमें सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सलमान खान पर चल रहे 20 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाला विख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से सलमान को आज भी खतरा है। अदालत में सलमान के वकील ने यह दलील भी दी थी और शुक्रवार को जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। हम आपको बता दें कि लॉरेंस विश्नोई जोधपुर से संबंध रखते हैं और विश्नोई समाज वाइल्ड सुरक्षा के लिए जाना जाता है। सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं अब तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे ये वो पुलिस से पूछिए जी। वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप पे तो डाउट क्यों है, आप तो इतने बुखार हो।
क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतने सिक्योरिटी आपकी नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान को लॉरेंस ने हिरण शिकार मामले पर जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस विश्नोई एक गैंगस्टर है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने गिरोह के जरिए वारदातों को अंजाम देता है। लॉरेंस पर वसूली और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं, जिसके चलते वह जोधपुर जेल में बंद है। लॉरेंस ने पिछले दिनों पेशी पर आने पर पत्रकारों से कहा था कि सलमान अगर जोधपुर आएगा तो उसे सबके सामने मारा जाएगा। लॉरेंस सलमान से हिरण शिकार मामले से खफा है। अब जब अदालत ने सलमान को 5 साल की सजा सुना दी है और सलमान को उसी जेल में जाना पड़ा है जहां लॉरेंस विश्नोई भी बंद है, ऐसे में सलमान की जान के खतरे की आशंका सलमान के वकीलों ने जताई है। हमारे था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सलमान को धमकी दे रखी है, ऐसे हमने कुछ बातें कही कोर्ट को, ठीक है ना। तो हमको लगा कि उसकी सुरक्षा को दिक्कत हो सकती है, और क्योंकि बेल एप्लीकेशन बहस ही होनी है, वो अभी हो चाहे कल हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि आज सुन लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को वो नहीं बदलना चाहते, इसलिए कल सुनेंगे। हम आपको बता दें कि फिलहाल सलमान खान जिस जेल में गए हैं वह दुष्कर्म के आरोपी बाबा आसाराम भी बंद हैं। फिलहाल सलमान को आसाराम के बगल वाली बैरक में रखा गया है। देखना होगा कि सलमान को कब तक जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रवार को सलमान के वकील जमानत का भी प्रयास करेंगे। अलवर के सदर थाना अंतर्गत चिकानी के समीप चोरी के माल का बंटवारा करते दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 7 LCD मॉनिटर और 7 मोबाइल सहित 2 बाइक भी बरामद की है। पुलिस अभी पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है, संभवतया और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। सदर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान चिकानी के समीप कुछ लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सामने आया कि ये सभी छात्र चोर हैं और चोरी किए गए माल को आपस में बांटने पर इनमें झगड़ा हो गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 13,000 की नकदी भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों से 7 LCD मॉनिटर और 7 मोबाइल सहित 2 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने चिकानी निवासी संदीप जाटव और बड़ौदा में निवासी समय सिंह जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 29 मार्च को बहादुरपुर स्थित हरि ओम गर्ग की किराना की दुकान से नकदी और कुछ सामान चोरी किया था। इसके अलावा पूर्व में भी अन्य कई वारदातें कर चुके हैं। वही चोरी के माल का बंटवारा करने के दौरान दोनों आपस में झगड़ पड़े। सूचना मिली जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से दो 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 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से चोरी की 2 बाइक, 4 कंप्यूटर, LCD मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, लैब कैमरा, कंप्यूटर चार्जेज, 7 मोबाइल चेकर मशीन, 55 टी शर्ट, पैंट, पासबुक इत्यादि, 3 डिब्बे जिनमें 1,31,000 रुपये, 13,100 रुपये नकद मिले, जिनमें जिनके नाम हैं, एक तो है संदीप पुत्र रामकिशन जाटव निवासी चिकानी, दूसरा है समय सिंह पुत्र मंगल राम जाटव निवासी पीपलखेड़ा थाना बड़ौदा में को पकड़ा, जिनसे पूछताछ पर उक्त सामान बरामद किया गया, जिनका पीस रिमांड ले रखा है, जिनसे और पूछताछ की जा रही है और भी इनसे चोरी का वारदात के बारे में खुलने की संभावना है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सामान बरामद कर लिया है। इनमें से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया। पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी है। अभी तो गर्मी का मौसम आया भी नहीं और अलवर में पानी की कमी को लेकर आमजन का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 11 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय बाशिंदों ने विकास पथ पर जाम लगाया। लोगों का कहना था कि इस समस्या के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों तक उनको जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, इसलिए आज पानी की मांग को लेकर जाम लगाना पड़ा। वार्ड नंबर 11 में पानी की समस्या को लेकर सब्जी मंडी विकास पथ पर लोगों ने जाम लगाया। वहीं पार्षद किशन मुटरेजा ने बताया कि यहां करीब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, कई बार जलदाय विभाग में शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही।
वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मोहल्ला हिंदूपाड़ा विकास पथ के आसपास क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग परेशान हैं और उनका आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 5 से 7 घरों में पानी काफी मात्रा में आता है। उनका कहना था कि वहां प्रशासन की मिलीभगत से वॉल लगाया गया है, यदि उस वॉल को खोल दिया जाए तो सबको नलों में पानी मिल सकता है। पर ये नहीं कि एक घर में पानी दे रहे हैं, एक घर में है सबको पानी चाहिए, एक घर में इतना पानी आता है, उन्होंने चाबियां खुद ले रखी है, खोलते हैं अपनी मर्जी से पानी आ जाता है, और हमारा टर्न होता है तब भी पानी नहीं आता, और बिना टर्न के तो आता ही नहीं। पूरी रात जागना पड़ता है, पूरी रात 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा, 12 बजे, यार हम इंसान है, जानवर थोड़ी है। पानी हमारी होली के बाद से हमको समस्या आ रही है, 1 महीना हो गया हमारे घर पानी की बिल्कुल ही नहीं आ रहा, हम लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं, ना हमारे घर पानी है, ना हम लोग कपड़े धो पा रहे हैं, और हम कभी कहाँ से मांगते हैं, कभी कहाँ से मांगते हैं, और धोबियों की जब की प्लेट लगी है ना, तो उससे हमारा पानी बिल्कुल ही बंद, बिल्कुल ही रुक गया है, वो 8-10 घर की वजह से हमारे 50 घर हम लोग परेशानी भुगत रहे हैं, और हमारे घर बिल्कुल पानी की बूंद प्लेट है, हम डेली आरओ का पानी मंगवाते हैं 20-20 रुपए के, वो मंगवाते हैं जा रहे हैं, सुलभ शौचालय में हम लोग बाथरूम के लिए जा रहे हैं, और हमारे घर पानी बिल्कुल नहीं है, हमारे बच्चे परेशान है, हम बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पा रहे बच्चों को। पानी की समस्या पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है, एक्शन सबों के पास, नारंग के पास, सबों के पास जा चुके हैं, हाँ देखते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, हर बार यही जवाब आता है, हाँ देखते हैं, करते हैं, करते कुछ नहीं है, थकार के यहाँ से अपना काम धंधे छोड़ के जाओ उनके पास ऑफिसों में, वहाँ से आश्वासन लेके आ जाओ, फिर चुपचाप बैठ जाओ, काम कुछ नहीं हो रहा। कितने वार्डों में नहीं आ रही थी? हमारे वार्ड में 3 बोरिंग है, 3 वार्डिंग से वार्ड 6 और 12 में भी जाता है पानी, जबकि हमारे वार्ड 11 में पानी नहीं है, 6 और 12 में पहुंचता हो पिछले 1.5 महीने से, और 1.5 महीने से जो ये समस्या बनी है, सिर्फ 1.5 महीने से जो ये समस्या बनी है, वाटर बॉक्स वालों ने किसी के दबाव में आके 5-6 परिवार हैं मात्र, उनके लिए गेट वाल लगा दिया, उसकी वजह से 200 मकानों में पानी जाना बंद हो गया। आज हम कह रहे हैं कि उनको हटा दो, तो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, शायद वाटर बॉक्स वालों ने, वो कमर्शियल हैं, धोबी लोग हैं, शायद पैसा लिया होगा, पैसा खाया होगा उन्होंने, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये पैसे ही हमने खर्च करके गेट वाल लगाया है, अगर उन्होंने लगाया तो कैसे लगा दिया, और वाटर बॉक्स ने लगाया तो 5 आदमियों के दबाव में 200 आदमियों को क्यों परेशान कर दिया, कोई नहीं सुन रहा। आज एक लिखित में सारी चीजें दे चुके हैं उनको, शायद हर दूसरे दिन ऑफिसों में जाके। वहीं एक्सीएन अमर सिंह मौके पर पहुंचे, एक्सीएन ने बताया कि पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, अधिकांश बोरिंग में पानी कम होता जा रहा है, जिससे यह समस्या नजर आ रही है, जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। शहर में ज्यादातर ट्यूबवेलों का पानी इतना नीचे चला गया है कि जितने भी हम ट्यूबवेल खोद रहे हैं या जो पुराने ट्यूबवेल हैं उन सब में लगभग पानी ना के बराबर रह गया है। इस क्षेत्र में हमने अभी कुछ 5-7 रोज पहले एक नलकूप खोदा था, वो भी ड्राई निकला है, कुल मिला के तो पानी कम होने की वजह से पानी की समस्या है। उसमें जैसा इन लोगों का कहना है कि एक नीचे सब्जी मंडी के पास कोई क्षेत्र है तो उसमें नया ट्यूबवेल स्वीकृत करा के ट्यूबवेल लगवा दिया जाएगा, और अगर उसमें पानी मिल जाता है, मिल ही जाएगा, तो यहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सब शहर की पूरी कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो 360 लाख लीटर पानी हम दे रहे हैं शहर में, और लगभग 350 की पॉपुलेशन है, तो 100 LPCD के हिसाब से हम पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो ऊंचाई पर है या जो पुराने मोहल्ले हैं वहाँ अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुँच पाता, और उन्हीं जगहों पर समस्या है। ये क्षेत्र विकास पथ वाला भी उन्हीं क्षेत्रों में से एक है जहाँ हमारे टैलेंट होने की वजह से पानी नहीं पहुँच पाता। उधर वार्ड नंबर 12 में भी पानी की समस्या को लेकर दिल्ली दरवाजा के पास रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। पिछले कई दिनों से अलवर में तापमान लगभग 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था, ऐसे में तेज गर्मी के चलते जनजीवन भी बेहाल हो चुका था, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक आज मौसम के बदलाव से तेज बारिश के साथ ओलों की बौछार हुई, ऐसे में गर्मी से तो राहत मिली लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि इस समय अनाज और सरसों दोनों फसलें पक कर तैयार हैं और अधिकांश किसानों की फसलें इस बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं।
अलवर में अचानक हुई बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों खेतों में पकी हुई फसल तैयार है और अधिकांश खेतों में फसल कटकर रखी हुई है। दोपहर बाद अचानक हुई इस बारिश के साथ ओले भी जमकर गिरे, जिसमें खेतों में पड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। भले ही तेज गर्मी से आमजन को राहत मिली हो, लेकिन किसानों के लिए आफत बनकर बारिश बरसी है। अलवर के कई नाले पानी भरने के बाद बहने लगे। बारिश आने के बाद कृषि उपज मंडी में रखी सरसों और गेहूं की बोरियां भीग गई। मंडी में कई फड़ पर टीन शेड भी नहीं होने के कारण खुले में रखे गेहूं भीग गए। बारिश एकदम से तेज होने के कारण यहां रखा सारा अनाज और अन्य जींस भीग गए, जिससे व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। शहर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है, इससे लोगों के चेहरे खिले हैं। राशन रोडेज रिटायरमेंट कर्मचारियों की मासिक बैठक बस स्टैंड स्थित एटक कार्यालय में हुई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर निवारण किया जाता है। वहीं पेंशन संबंधी बकाया राशि सहित अन्य समस्याओं को जल्द निपटाने का काम भी किया जाता है। कर्मचारी नेता हरिओम चुग ने बताया कि यह बैठक हर माह आयोजित की जाती है, जिसमें रोडवेज रिटायरमेंट कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाता है और समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधित बकाया भुगतान आदि और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाने का काम किया। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की मीटिंग हो रही है। राजस्थान अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके तत्वाधान मीटिंग है ये। इस मीटिंग में आज कुछ एजेंडेज हैं, विशेषकर 9 तारीख से 13 तारीख तक धरने लगा रहे हैं हम, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में, और विशेषकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया MBA एक्ट ला रही है, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और न सिर्फ रोडवेज में ही, ड्राइवर्स के लिए तो स्थिति हो जाएगी, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला है, चाहे टेम्पो चलाने वाला है, ट्रक चलाने वाला है, हर एक ड्राइवर्स की परेशानी हो जाएगी। और स्थितियाँ ये पैदा होने वाली हैं उस एक्ट के तहत कि भविष्य में कल बस के ऊपर कोई कंडक्टर नहीं होगा, उस हालत में कई नई नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इस एजेंडे पर यहाँ पर बात की जाएगी। दूसरा, पेंशन की स्थिति है, EPF की पेंशन है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। जो हमने हाई कोर्ट में केस किया है उसके संबंध में साथियों को बताएंगे क्या स्थिति चल रही है, और दूसरे मुद्दों पर यहाँ पर बैठकर चर्चा करेंगे। बीस साल पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान को हुई 5 साल की सजा और अन्य फिल्मी सितारों को मिली राहत। सलमान को धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस से है खतरा, जोधपुर जेल में हैं दोनों बंदी। चोरी के माल के साथ दबोचे शातिर, 7 LCD और 7 मोबाइल सहित 2 बाइक की जब्त। अलवर सदर थाना पुलिस की है कार्यवाही। और अलवर में पानी की समस्या पर किया जाम, महिलाओं ने फोड़े मटके, सड़क पर दिया धरना।